जयराम जी के छोटे वाले। नमस्ते। जयराम जी की मालकिन। पंडित जी अच्छे तो हैं? सब आपकी दया है। तार मिल गया था ना? आपके आने का तार तो मिल गया था, उसके बाद एक दूसरा तार आया। दूसरा तार? हाँ। ये किसका है? जी वो रतनलाल नाम के महाशय है ना। हाँ हाँ, क्या हुआ उनको? उनका स्वर्गवास हो गया। स्वर्गवास? हाय राम, ये क्या हो गया? माँ, तुम तो यही खड़ी हो, अंदर आओ ना। दर्शन, ये सामान तांगे में ही रहने दे, चल मेरे साथ। कहाँ? अग्नि तीर्थ, पहले स्नान करके तर्पण कर ले। तर्पण किसके लिए? ओफो, तू तो हर बात को कुरेदता है। रामेश्वरम आके क्या पुरखों के लिए तर्पण नहीं करते? चल बैठ टांगे में। पंडित जी। जी। गाड़ी की दो टिकटें बुक कर देना, हम आज ही लौट रहे हैं। आज ही? हाँ हाँ, आज ही और अभी अभी। रामेश्वरम जाओ या काशी, कर्म तो पीछे ही लगे रहेंगे। हे भगवान। हाँ। मालकिन, मैंने भोजन का प्रबंध कर दिया है। भोजन भोजन कुछ नहीं चाहिए। गाड़ी कितने बजे जाती है? 12:30 बजे। ओ, चल दर्शन। वर्षा जी, सीता ने कुछ खाया? जी नहीं। आज भी कुछ नहीं खाया? जी नहीं, मैंने तो बहुत हाथ पैर जोड़े, लेकिन वो तो पत्थर का बुत बने बैठी है। क्या करती, गाड़ी ही लेट थी। क्या गाड़ी, क्या सफर। मैं तो बेटा दर्शन, जा तू ऊपर जा, जा हाँ। देख सारी चीजें गिन लेना। हाँ, मैं तो वहां रुकी भी नहीं, फौरन चली आई। फर्स्ट क्लास में इतनी बुरी हालत है, तो न जाने थर्ड क्लास में क्या होता होगा। राम बचाए ऐसी यात्रा से, अब तो कभी नहीं जाऊंगी, कभी नहीं जाऊंगी। तुम्हारी यात्रा में तो जो होना था हो चुका, अब उसे भी जरा देख लो, वो भी यात्रा के लिए तैयार हो। तो मुझे कौन सा यहाँ बैठा रहना है, सभी को एक दिन जाना है। मुझे क्या पता था कि मेरे पीछे ये सब कुछ हो जाएगा। सीता कहाँ है? मेरे ही किस्मत में सब दुर्भाग्य लिखे हुए हैं। मे गॉड सेव यू सावित्री। जल्दी चले जाएंगे। दीदी, तुम क्यों रोती हो? विधवा तो मैं भी हूं। तुम भी तो मुझे इस हाल में देखने के लिए दर्शन को घसीट कर ले गई। हाय राम, अब ये राग भी मेरे सर पर डाल रही है। तू नहीं जानती मैं दर्शन को क्यों ले गई थी। क्या मुझे पता था कि मेरे जाने के बाद इतना अनर्थ हो जाएगा? प्राण छोड़ने से पहले उनकी एक ही इच्छा थी कि दर्शन उनके सामने हो, लेकिन बाप भी बदकिस्मत और बेटा भी बदकिस्मत। बाप आखिरी समय बेटे को न देख सका और बेटा अपने बाप के चिता को आग न दे सका। दर्शन का यही दोष है ना कि उसने मेरे कोख से जन्म लिया। आग लगे इस जीवन को, मुझे भी तो ये जली कटी इसलिए सुननी पड़ रही है कि उसने मेरे कोख से जन्म नहीं लिया। सीता, अब किसी को दोष देने से क्या फायदा, ये सब भगवान की करनी है। चल उठ, कुछ खा ले। ना दीदी ना, मेरे भूख प्यास तो मेरे सुहाग के साथ चली गई। अब भूखी रहकर मुझे पाप का अधिकारी बनाएंगे। पहले थोड़ा कलंक है मेरे से।